तेरी धूप रोशन तेरी हवा जिंदा तू बाग है मेरा दिस इज रोहित एंड यू आर वॉचिंग एडिट्स बाई रोहित। तो आज हम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड वीडियो को एडिट करेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा कैपकट ऐप की, और कैपकट ऐप को यूज़ करने के लिए हमें VPN को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो सुपर VPN है इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रोसीड विथ एड्स पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर एक ऐड आ गया, और इस ऐड को हम यहाँ से स्किप कर देंगे, फिर हम इस ऐप को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, और अब हम कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे, और कैपकट ऐप हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने कैपकट ऐप को ओपन कर लिया। अब हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर स्टॉक वीडियोज़ पर जाएंगे, और यहाँ से जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला जो वीडियो है इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको ऐड हो जाने के बाद हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, और इसको एडिट पर जाकर इसको 9:16 रेशो पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर 9:16 रेशो को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये 9:16 हो गया। अब हम बैक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पर आएंगे, अब इसको फिर से 9:16 कर देंगे। तो ये अब ठीक हो गया। यहाँ पर वाटर मार्क को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, फिर इसका ड्यूरेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जो सॉन्ग है इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लेने के बाद हम बैक कर देंगे, और यहाँ से जो ऑडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो करेंगे, और यहाँ से जो वीडियो है इससे साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सॉन्ग को प्ले करके देखेंगे, और जहाँ पर बीट है वहाँ पर बीट ऐड करेंगे, और बीट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर जो सॉन्ग है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से नीचे जो मैच कट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो ऐड बीट का ऑप्शन आ जाएगा उस पर हमें क्लिक करके जहाँ पर बीट से वहाँ पर हम बीट को ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर बीट को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जब हम बाद में फ़ोटो को ऐड करेंगे तो फ़ोटो को बीट के अनुसार कट करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बीट को ऐड कर देंगे एक एक करके। यहाँ पर हमने बीट को ऐड कर लिया, अब हमें सॉन्ग का लिरिक्स को ऐड करना है। इसके लिए हम थोड़ा बैक आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और हम यहाँ से सॉन्ग को प्ले करके देखेंगे, उसके बाद जो सॉन्ग का लिरिक्स है उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो यहाँ से हम सॉन्ग को प्ले करेंगे, और यहाँ पर जो सॉन्ग का लिरिक्स है मतलब तेरी धूप है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेंगे। तो यहाँ से ये टाइप हो गया। अब हम इस यहाँ पर राइट मार्क पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर स्टाइल पर आएंगे, और यहाँ से जो फेचिंग वाला फॉन्ट है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो गया, अब हम इस पर एनिमेशन ऐड करेंगे। इसके लिए हम एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ये एनिमेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट वाला जो इफेक्ट है इसको ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पर फिर से स्टाइल पर क्लिक करेंगे, फिर इफेक्ट्स पर आएंगे, और यहाँ से जो ब्लू वाला आर्ट लिखा है उस पर क्लिक करके ये आर्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर जो सारे लिरिक्स है उसको यहाँ पर ऐसे ही कॉपी करेंगे, और बाद में पेस्ट करके जो लिरिक्स है उसको चेंज कर देंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो लिरिक्स है उस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, फिर इसको पेस्ट करके साइड पर रख देंगे, और यहाँ से लिरिक्स को चेंज कर लेंगे। ऐसे हमें एक एक करके सारे लिरिक्स को चेंज कर लेना है। पर हमने सारे लिरिक्स को ऐड कर लिया, इसके बाद हमें यहाँ पर इफेक्ट्स ऐड करना है। इसके लिए हमें ऐड इफेक्ट्स पर जाना है, और यहाँ से जो बेसिक वाला इफेक्ट्स है उस पर जाकर हम एक इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट्स है, यहाँ पर बेसिक, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फोकस है उस पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर इफ़ेक्ट ऐड हो गया। अब हम यहाँ पर जो फ़ोटोज़ हैं उसको ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कुछ फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो को ऐड कर लिया। अब हम यहाँ का सारा जो फ़ोटो है उसको 2 सेकंड का टाइम रखेंगे और कुछ फ़ोटो को जो बीट्स है उसके साथ मैच करके कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो का ड्यूरेशन एकदम ही कम कर दिया क्योंकि बीट के साथ मैच करने के लिए फ़ोटो का टाइम कम करना पड़ा, इसके लिए फ़ोटो का कमी आ गया। अब हम इसको ठीक करने के लिए फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और कुछ फ़ोटो को फिर से इंपोर्ट कर लेंगे और इसका जो सॉन्ग का टाइमलाइन है उसके साथ मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो अगर एक्स्ट्रा रह गए तो हम यहाँ से उस फ़ोटो को यहाँ पर डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशन ऐड करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर जो फ़ोटो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ ऑफ से एनिमेशन पर जाना है। फिर हम यहाँ पर जो कॉम्बो वाला इफेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो एनिमेशन इस पर हम आ गए। अब यहाँ से कॉम्बो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो डिस्टॉर्ट वाला एनिमेशन है उस एनिमेशन को सारे फ़ोटो पर ऐड कर देंगे। तो सारे फ़ोटोज़ पर एनिमेशन को ऐड करने के बाद यहाँ पर वीडियो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो जब रेडी हो जाएगा उसको हम एक बार प्ले करके देख लेंगे, उसके बाद वीडियो को एरो मार्क पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वीडियो रेडी हो गया। अब हम एरो मार्क पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर वीडियो।